पानी का वाटर सिस्टम, ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम कैसे फिट किया वो बताते हैं। वो देखिए वहाँ पे ऊपर 10 फुट के ऊपर हमने 2000 लीटर की टाकी लगा रखी है, उसको हमने थैले से कवर कर रखा है जिससे पानी ठंडा रहे। फिर हमने एक दूसरा सेटअप लगा रखा है, उसी को पाइपलाइन कर रखा है, और यहाँ पे एक 50 लीटर की टाकी है। आइए इसको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए एक 50 लीटर की टाकी है। यहाँ पे अगर कुछ भी मेडिसिन वगैरह देना हो, कोराइजा का बोलो, एलकीयू, सेप्टीमा, एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ देना हो तो इसमें मिक्स कर देते हैं। पीछे हमने लॉक लगा रखा है कि 50 लीटर की क्वांटिटी के हिसाब से हम वहाँ पे पानी कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें टाकी में लॉक लगा देते हैं और फिर इतना पूरा पानी ख़त्म होने तक सप्लाई जाने देते हैं। ये जो हमने पाइपलाइन कर रखी है, ये थिबक पाइपलाइन है, जो खेती में हम पेड़ों के लिए करते हैं वही है, उसको हमने लॉक लगा रखा है। और उसी के थ्रू ये देखिए यहाँ पे ये एक और एक नॉब है, अगर हमको जब भी ये साफ़ करना होता है ड्रिंकर हमारा, हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये ज़मीन से जा रहा है इसलिए, अगर ऊपर होता तो हम इसमें बंद कर देते। और ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम है, ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, और ये हमने सब तरफ लगा रखे है। वो देखिए वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, वो एक है। और फिर आइए ये देखिए यहाँ पे बाहर मुर्गों के लिए, यहाँ पे उस साइड वो शेड में एक है, और ये जो पाइपलाइन जा रही है थिबक की, वो जो आपको ग्रीन शेड दिख रहा है पीछे, उसके अंदर भी एक देखिए ड्रिंकर है। तो वहाँ तक का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ये जो हमारी टाकी 8 से 10 फीट की है, कैसे लगा हमारा वाटर सिस्टम कमेंट करके ज़रूर बताएं।